हाँ जी, तो कैसे हो सभी? स्वागत है सभी का आपका होस्ट आपका दोस्त सैयम अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है डिफेंस क्रैक पे। तो आई होप सब फैंटेस्टिक है, सब अच्छे हैं, सब फिट फाइन है। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, देरी किसकी कर रहे हो, बेल आइकन प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल है अपना डिफेंस क्रैक के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। लोगों का जरूर से ध्यान रखना ना। आज का मुद्दा क्या है साहब? आज क्यों मतलब आप इतने खुश खुश से लग रहे हो? तो मैं बताता हूँ। तो काफी वीडियोस में मैं देख रहा था, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाते हैं जीएस के, जो हमको एनडी के पेपर में या फिर सीडीएस के पेपर में मदद करते हैं। स्पेसिफिकली एनडी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मजा आ जाए सर, थोड़ा सा ना मजा आ जाए एकदम से ना। जीवन बहुत सारा बोझ से लदा पड़ा है सर, थोड़ा सा ना एटलीस्ट आप तो हमारी मदद करो, आप हमारी भावना समझ दो सर, आपको हम बड़े भाई मानते हैं सोहन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें भी क्या दिक्कत है, आपको आपकी शंका जो है दूर कर दी जाए, उसी के लिए हम आपके सामने हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो ना हो। आओ तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीएस। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस बात की गारंटी मेरी। क्या बोला? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस बात की गारंटी मेरी। भरोसा करते हो तो अजमा के देख लेना, और अगर नहीं करते हो तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खैर देखो साहब, सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के अंदर सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर आप सब्जेक्ट समझो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट पांच हो। तुम्हारे लेवल की बात कर रहा हूँ, एनडी लेवल की बात कर रहा हूँ। करंट हटा दो, करंट का कोई अंत नहीं है, करंट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। मैं यूपीएससी नहीं हूँ, ना ही मैं पेपर बना रहा हूँ, और ना ही मेरे जो फैमिली में से कोई चेयरमैन है यूपीएससी का जो मुझे बता दे कि हाँ भैया ये करंट आने वाला है। करंट को मैंने हटा दिया, अब बचे कितने सब्जेक्ट? हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। चलो तो साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अगर मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो 1857 की क्रांति के बाद से सरट डालो। है सर क्या बोले? हाँ हाँ सुनो दोबारा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद का जो समय है उसको रट डालो। और अगर और स्पेसिफिक चाहिए तो गांधी वाला जो समय है ना, जो गांधी वाला समय उसको रट डालो। मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो, 1857 की रिवॉल्ट से तमीज से रट लो, एकदम मक्खन रट लो। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा उसको रटने में, आराम से आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद चलो मैं वो भी बता दूंगा कि टाइम में क्या आप कर लो। ठीक है, अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करूँ तो मिडिवल हिस्ट्री में मुगल्स रट लो। मिडिल हिस्ट्री में क्या रट लो? मुगल रट लो, और मुगल के आसपास वाले रट लो, जैसे लोधी थे, लोधी को हराया, बाबर आ गया, बाबर देन हुमायूं देन अकबर एंड सो ऑन। मुगल्स रट लो, मुगल्स के जो आपके इनके आर्ट एंड कल्चर है ना भाई, इनका जो आर्किटेक्चर है मुगल्स का, वो पेपर में आता है, रट डालो। मैं बता रहा हूँ कितने, भैया तानसेन कहाँ था, फिर जहांगीर कौन था, जहांगीर ने कैसे कैसे काम किए, कौन सा फोर्ट किसने बनवाया, क्या हुआ एंड सो ऑन। मध्यकालीन भारत में ही रट लो, प्राचीन भारत में, भैया प्राचीन भारत में मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट चंद्रगुप्त मौर्य अशोका तक तो पढ़ ही लो। अगर ज्यादा भी नहीं पढ़ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पढ़ लो, थोड़ा सा आर्यन के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा महाजनपद के बारे में पढ़ लो, थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लो, चाणक्य के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा अशोका के बारे में पढ़ लो, थोड़ा बहुत गुप्ता के बारे में पढ़ लो, जो हमारे स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त ये सब लोग थे, इन लोगों ने कैसे कैसे आर्किटेक्चर बनाए ये थोड़ा सा पढ़ लो बेटा। बिलीव मी, इतिहास को आप बहुत जल्दी बहुत ईजिली अच्छे समय से कवर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अब आओ ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो भूगोल की अगर मैं बात करूं गाइस, तो भूगोल में आपको सबसे पहले जो है भौतिक भूगोल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भैया अर्थ कैसे बना है, अर्थ के अंदर वो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये कहाँ से आ गया, क्या काम होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, डेट कैसे निकालते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, लैटिट्यूड किसको कहते हैं, सीजन्स क्या होते हैं, घूर्णन क्या होते हैं यानी रिवोल्यूशन रोटेशन ये सब क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, वोल्केनो क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या चेंजेस होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको कह रहा हूं कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की पूरी जानकारी अपने पास रखना। पहले सीक्वेंस में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना, फिजिकल ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाएगी तो इंडियन ज्योग्राफी में जाना, और इंडियन ज्योग्राफी भी पूरी पढ़नी है, चाहे नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, माउंटेन्स हो, हिमालयस हो, ट्रांस हिमालयस हो, ये हो, वो हो, रिवर्स हो, भैया 100 चीजें हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी को अगर अच्छे तरीके से एस करना है, उसमें नंबर लाने हैं, तो ज्योग्राफी को नहीं छोड़ना। हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है यानी कि जो विश्व का भूगोल है उसमें आप थोड़ी सी रियायत बरत सकते हो, वो मैं आपको अलाउ करता हूँ। रीजन इज बीइंग क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ने जाओगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कुछ है, यानी कि 6 से 7 महाद्वीप पढ़ने पड़ते हैं, जिसको याद करना, समराइज करना, रिवाइज करना बहुत ज्यादा हेक्टिक है। आप उसको अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए साइड रख सकते हो। आइए साहब तो बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी ओहो अरे बाबा पॉलिटी, अरे रुलाने वाला सब्जेक्ट है सर, नहीं है। सबसे पहले पॉलिटी में बात करेंगे तो पॉलिटी में प्रियम्बल रट लो, फंडामेंटल राइट्स रट लो, डीपीएसपी रट लो, फंडामेंटल ड्यूटी रट लो। प्रियम्बल रट लो, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, डीपीएसपी रट लो, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य रट लो।
एक नहीं दो नहीं कम से कम एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन तो यहां से पक्के हैं, कंफर्म कंफर्म है, कंफर्म ले जाओ, उठा उठा के ले जाओ, ठीक है। इसके अलावा यूनियन के बारे में पढ़ लो, यानी केंद्र के बारे में पढ़ लो, स्टेट के बारे में पढ़ लो, ठीक है, यानी कि भाग पांच पॉलिटिक्स और भाग चार पूरा रट लो। उसके अलावा क्या है सर, उसके अलावा एमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लो, एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आप जानते होंगे, आर्टिकल नंबर 352 356 360 इनको पढ़ो, सोना नहीं है। यूपीएससी के बारे में पढ़ो, यूपीएससी कैसे काम करता है, चेयरमैन कैसे आते हैं, इनको पढ़ो, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा कई बार ऐसे होते हैं कि पेपर में ना करंट से उठा के क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। तो डिफेंस क्रैक पे वैसे तो आपकी वीडियोस चलने वाली है, सारी क्लासेस चलने वाली है, करंट की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो करंट की क्लास में एक्चुअली रेगुलर रहना। मैं क्या करूंगा, अगर कोई नया पॉलिटी का मुद्दा आपके न्यूज में चल रहा होगा तो मैं उसको आपके समराइज करके उसको जोड़ जाड़ के आपके एग्जाम के लिए तैयार कर दूंगा। अपनी तरफ से एटलीस्ट सबसे पहले इतना पढ़ो, क्या बोला, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी रट लो, प्रेसिडेंट पढ़ लो, पीएम पढ़ लो, सीएम पढ़ लो, गवर्नर पढ़ लो, ये सब पढ़ डालो, यानी कि पार्ट फिफ्थ और पार्ट सिक्स जो पॉलिटिक्स है उसको रट डालो, मैं बता रहा हूँ उसको तमीज से रट डालो। थोड़ा बहुत यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लेना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ टाइम पहले न्यूज में था, तो पेपर में आने की पूरी पूरी चांसेस आपके लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी आपको क्लियर है। टाइम मैंने अभी आपको नहीं बताया कि किस टाइम पे क्या पढ़ो कैसे पढ़ो, क्योंकि अभी स्ट्रेटेजी में आऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लो, इकोनॉमिक्स में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम पढ़ लो, आरबीआई के बारे में पढ़ लो, आरबीआई काम कैसे करता है ये पढ़ लो, मॉनेटरी पॉलिसी किसको कहते हैं, फिर कैश फ्लो क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, यानी महंगाई दर मंदी दर क्या होता है, कैसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, फिर कौन सी बॉडी क्या है, बैंक कैसे रेगुलेट होते हैं, बैंक के चेयरमैन कैसे आते हैं, बैंक काम कैसे करता है, इन सब के बारे में पढ़ लो, आपका मोर देन सफिशिएंट है। भैया यूपीएससी ये नहीं कहता है कि मेरे को पीएचडी करनी है, ना साहब, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको मास्टरी नहीं करनी है, एटलीस्ट जर्नल नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपको क्या है, आपको नॉलेज है, जर्नल चीजों की नॉलेज है भाई, जर्नल चीजों की नॉलेज है, ये मोर देन सफिशिएंट टॉपिक है गाइज, बिलीव मी। अगर 5 सितंबर को एनडीए देने जा रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, एंशियंट छोड़ दो, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटी छोड़ दो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, अरे भैया सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि ये हर एक बच्चे का जो भी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में थ्रू आउट द नेशन एग्जाम दे रहा है, उस बच्चे के दिमाग में जीएस को लेकर फोबिया रहता है, और मैं यही फोबिया इंडिया के हर एक बच्चे के अंदर से निकालना चाहता हूं। इतना बड़ा नहीं है, इतना टफ नहीं है, इसको टफ ना बनाया जाए, आराम से प्रिपरेशन करी जाए, इस टॉपिक से बाहर नहीं आने वाले, बाकी गारंटी मेरी है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात जो है वो सभी को क्लियर है, और अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, थोड़े टाइम बाद इसी चैनल पे आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, करंट की क्लास भी हो जाएगी, फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, 5 तारीख को जो आपका एनडीए का पेपर है एटलीस्ट उसको हम कवर करें अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मैं चाहता हूं कि ये हर एक बच्चे तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं बाद में।